वेबसाइट पर जाना है www.syndicatebank.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं एंड इस जॉब से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड आपकी सारी जानकारी पीडीएफ में ओपन हो रही है एंड आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट पर ही सबमिट होगा। वैकेंसीज एंड एज लिमिट यहाँ पर आपको मेंशन की गई, सीनियर मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट MNGS थर्ड की आपकी वैकेंसी है। 5 वैकेंसीज इसमें खाली है, यानी कि 5 सीट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपकी मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट MNGS सेकंड के लिए 15 वैकेंसीज खाली है, 50 सीट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपकी मैनेजर लॉ MNGS सेकंड के लिए 41 वैकेंसीज खाली है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपकी मैनेजर इस ऑडिट MNGS यू के लिए 3 वैकेंसीज खाली है। नेक्स्ट है आपकी सिक्योरिटी ऑफिसर MNGS सेकंड के लिए 30 वैकेंसीज खाली है। आप जिस भी वैकेंसी से रिलेटेड एजुकेशन कंप्लीट की है एंड आप जिस भी वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल है, आप उस वैकेंसी से रिलेटेड अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी वाइज मेंशन किया गया है। फर्स्ट है MNGS सेकंड के लिए पे स्केल आपको दिया जाएगा 31,705 से लेकर 45,950। नेक्स्ट वैकेंसी MNGS थर्ड के लिए 42,020 से लेकर 51,490। रिलेटेड वैकेंसी से रिलेटेड आपको पे स्केल PDF में ओपन हो जाएगा। मोर डिटेल्स द डिटेल एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एसेट्रा। एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड मोर एज लिमिट पे स्केल जानने के लिए आप PDF चेकआउट कर सकती हैं। PDF में सारी जानकारी दी गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर एसेट्रा इज अवेलेबल ऑन दी बैंक वेबसाइट। आपका सिलेक्शन प्रोसीजर बैंक वेबसाइट पर अवेलेबल है। यहाँ पर वेबसाइट भी मेंशन की गई है http://www.syndicatebank.in। इस वेबसाइट पर आपको सारी जानकारी जॉब से रिलेटेड दी गई है। अंडर करियर सेक्शन एंड चेक फुल डिटेल्स इन बिलो लिंक एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स। इस वेबसाइट पर जाकर आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपकी सारी डिटेल्स खुल जाएगी। एप्लीकेशन फी यहाँ पर मेंशन की गई फॉर SC ST and PWBD कैंडिडेट्स के रुपीज 100 एप्लीकेशन फी रखी गई है प्लस GST एज एप्लीकेबल इंटीमेशन चार्जेस ओनली। फॉर जनरल एंड अदर्स कैंडिडेट्स के लिए रुपीज 600 एप्लीकेशन फी रखी गई है प्लस GST एज एप्लीकेबल एप्लीकेशन फी प्लस इंटीमेशन चार्जेस आपके लगेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स टू रिमेंबर स्टूडेंट्स, स्टार्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 29 मार्च 2019, यानी कि आज से आपकी ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं, PDF ओपन हो रहा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 अप्रैल 2019 आपकी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपको अप्लाई करना है। अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं एंड आपने इससे रिलेटेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है तो पहले PDF पढ़िए, देन इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिए। एंड इस वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो PDF में आपका एग्जाम पैटर्न भी दिया हुआ है। रीजनिंग से रिलेटेड आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे। पॉइंट एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे। एंड उसके बाद रेलिवेंट इस पोस्ट से रिलेटेड 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के आएंगे। एंड इंग्लिश नॉलेज से रिलेटेड आपके 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के आएंगे। टोटल 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के आएंगे। एंड टाइम ड्यूरेशन आपको 2 hours and 30 minutes का दिया जाएगा, यानी कि 2 hours and 30 minutes ढाई घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इस ढाई घंटे में आपको अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करना है। एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन दिया जाएगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। मल्टीपल चॉइस टाइप आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। एंड अगर आप फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं तो आपको कुछ टाइम ज़्यादा भी दिया जा सकता है। आप ढाई घंटे से ज़्यादा आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग टाइम दिया जाएगा, आप उस टाइम के अकॉर्डिंग अपना एग्ज़ाम पैटर्न कंप्लीट कर सकते हैं। एंड अगर आप किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक SC and ST तो आपको 5 years का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप OBC कैंडिडेट्स हो तो आपको 3 years का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन अगर आप फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स हो तो आपको 10 years का एज रिलैक्सेशन ऑब्वियसली दिया जाएगा। एंड अगर आप स्टूडेंट्स SC ST लेकिन फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स हो तो आपको 15 years का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन अगर आप OBC कैंडिडेट्स हो एंड फिजिकली हैंडीकैप हो तो आपको 13 years का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं कि आपके लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। एंड आपका एग्ज़ाम कंडक्ट डिफरेंट स्टेट्स में किया जाएगा लाइक अहमदाबाद, भुवनेश्वर, भोपाल,
चेन्नई सारे स्टेट्स पीडीएफ में मेंशन किए गए हैं। आप किस वैकेंसी में इंटरेस्ट रखते हो एंड आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, आप सारी जानकारी जॉब से रिलेटेड पीडीएफ में चेकआउट कर सकते हैं। एंड आपकी लास्ट डेट रिमेंबर स्टूडेंट्स, याद रखना आपकी लास्ट डेट, उससे पहले पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है एंड वेबसाइट क्लोज हो जाएगी आपकी लास्ट डेट से पहले। पहले पीडीएफ ओपन कीजिए, देन फॉर्म फिलअप कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन फ्रेंड्स, सब उन फ्रेंड्स तक जिन्हें मेरी इस वीडियो से हेल्प मिल सके।